चलो आज शाम पे थोड़ा ऐसे ही मुलाकात वादे सलीम के लोगों, कॉलोनी के लोगों के साथ ऐसा बातचीत करने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए मैं इधर आके थोड़ा लोगों से मिले और उनका जो भी तकलीफें हैं, जो भी इश्यूज है, तो उनसे बातचीत करें और उन्होंने कोई एक गंजा के बारे में बोले, तो ऐसा ट्रैफिक इश्यूज के बारे में बोले और पुलिस को भी सजेशंस दे रहे हैं, थोड़ा इंक्रीज पेट्रोलिंग इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। तो सारी बातें सुन के उनको भी थोड़ा काउंसलिंग और अवेयरनेस, ये जो नारकोटिक्स गंजा जो फैल रहा है गली गली में, कोने कोने पे फैल रहा है, और उससे क्या होता, वो क्राइम बढ़ जाता बोल के उनको अवेयरनेस, एक ऐसे ही इनफॉर्मल टॉक, ये लोग उनसे बात करें और ये जो साइबर जो क्राइम्स होता है उनके बारे में बातचीत करें, और बच्चों के साथ भी थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए बच्चों के साथ भी थोड़ा बातचीत करें। तो ऐसे ही थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए माई और मेरे फोर्स आ गए इधर। मैडम, रातों में टाइमिंग क्या दी गई है पब्लिक के लिए, होटल्स या फिर शॉप्स के लिए? क्लोजिंग आवर्स क्या टाइम है मैम? क्लोजिंग क्या टाइम पे हो रही है? क्लोजिंग 11 o'clock कर रहे हैं हम। नहीं मैडम, पहाड़ी शरीफ से हीराकुंड तक लेकर रात में 3-4 बजे तक भी होटल्स खुले रह रहे हैं मैडम, होटल्स पान शॉप्स वगैरह तो। तो वो तो पेट्रोलिंग वालों से हम पूछ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो भी है हमारा, सीपी साहब का खाली ये कमिश्नरेट में नहीं है, पूरा कमिश्नरेट्स में एक गाइडलाइंस है पुलिस का, पुलिस की तरफ से 11 o'clock बंद होना, तो उसके बाद अगर कोई खुला है तो फिर उनके ऊपर केसेस भी डाल रहे, पेटी केसेस डाल रहे, अगर सुधर नहीं गए तो फिर और थोड़ा एक्शन स्ट्रिंजेंट लेते हम। कहाँ मंडी, मंडी हाउसेस का कहाँ पे चल रहा है? अच्छा ठीक है, मैं मेरे ऑफिसर से बता देती हूँ। मैडम ఇది గంజా వల్ల కొన్ని సంఘటనలు జరిగిన కదా, వాళ్ళ మీద పీడి యాక్ట్ ఏమైనా ఉపయోగించారు మేడం మీరు? పీడి యాక్ట్ వేయడానికి కొన్ని కంపల్సరీ, అచ్చా ఓ జో పీడి యాక్ట్ కర్నే కే లియే ఎక్ ప్రొసీజర్ రహతా, ఎస్ఓపి రహతా, ఓ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా భీ రహతా, తో అభి ఎక్ బార్ సోచ్ రహే హై ఓ కిత్నా కేసెస్ హై, ఏక్ కే ఊపర్ కిత్నా కేసెస్ హై, క్వాంటిటీ కమర్షియల్ క్వాంటిటీ హై, క్యా హై, అగర్ ఓ సూట్ హువా తో ఫిర్ పీడి యాక్ట్ ఇనిషియేట్ కర్ రహే హై మేడం। ఇంతక ముందు ఇక్కడ విఐపి స్కూల్ ఉంది కదా, ఆ గల్లీలో ఒక స్టేషనర్ అతను గాంజాయి చాక్లెట్ సేల్ చేసి ఉంది, పిల్లలు దాన్ని వాడి కేసు కూడా అయింది ఆ విషయం, ఇలాంటి షాప్ల మీద రైడ్ చేసి మన वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहना ना, इसलिए इसलिए मैं आप लोगों से इसलिए आई हूँ मैं इधर। ऑलमोस्ट 200-300 meters हम पैदल आ गए इधर। हाँ, तो आके पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आई मैं, थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन देते रहिए आप, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते रहिए, स्पेशली गांजा के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दिए तो फिर हमारा इन्फॉर्मेशन, आपका इन्फॉर्मेशन सही है, इंक्वायरी करके फिर एक्शन ले लेंगे हम। अच्छा पढ़ रहे हैं। ए बच्चा जरा बोला ना, सामने सेटो बेटा, बच्चे सामने सेटो, सामने सेटो, बच्चा इधर नहीं, तेरा होगा।